Dear student, good morning all of you. Today is the next exercise. Exercise 1.1 complete in your previous class and start the exercise 1.2. Exercise 1.2 में जो आपके numbers हैं, जैसे rational numbers हैं, natural number हैं, and integer number हैं, उनको आपको denote करना है on the number line. Number line को denote करके show करना है कि उसकी position कौन सी है. Okay? Let's check करते हैं. 7 upon 4 इसकी पोजीशन आपको नंबर लाइन पे चेक करनी है. 7 upon 4 में क्या होगा, ये होल से मोर देन नंबर है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं. 4 का डिवाइड 7 में, 4 का डिवाइड 7 में, 4 वाले 4 रिमाइंडर कितना हो गया 3, 3 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो दिस कितना हो गया पीछे 0, कितना हो गया 0. 4 का डिवाइड 7, 13 में कितना 13 में, तो 4 7 28, तो ये हो गया 1.7. तो इसको 1.7 को डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो चेक करते हैं यहाँ कौन सा नंबर है 0, और इधर कौन सा हो गया -1 -2 and -3. स्टूडेंट जो ये नंबर्स के बिटवीन में गैप है, ये लेंथ है और ऑल ऑफ गैप लेंथ क्या होगी इक्वल, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी कितनी होगी 1 और ये भी कितनी होगी 1, एंड इधर 1 2 3 4. ओके, एंड देन इसमें अपॉन में दिया है ऐसे नंबर का डिनोमिनेटर कौन सा है 4, तो अपन इसमें ऑल जो नंबर्स है उसमें बाई 4 बाई 4 एंड बाई 4. ओके, एंड 0 upon 4, 1 upon 4 एंड 2 upon 4 एंड 4 एंड 4, तो नंबर कौन सा है 7 upon 4. तो यहाँ 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा, तो यहाँ हो गया 5 upon 4 6 upon 4 7 upon 4 नेक्स्ट 8 upon 4. ओके, तो इसकी पोजीशन चेक करते हैं 7 upon 4, 1 upon 4 2 3 4 5 6 7 upon 4, कहाँ पे नंबर है 7 upon 4, इसकी पोजीशन है 7 upon 4 यहाँ. ओके, एंड नेक्स्ट सेकंड नंबर है -5 upon 6 6 का डिवाइड करता है 5 में, 6 का डिवाइड है 5 में, डिवाइड नहीं हो रहा है तो मींस ये कौन क्या होगा 0, पॉइंट ऑफ डेसिमल एंड होगा, तो पॉइंट एंड हुआ तो अब क्या हो गया यहाँ पे 0, मींस कितना हो गया 50. अब 6 का डिवाइड 50 में कितना देखो चेक करो, 6 8 48, मींस कितना डिवाइड हुआ 0.8. नंबर लाइन पे साइन कौन सा है माइनस का, कौन साइन है माइनस का, ये हो गया 0, या कौन सा होगा -1 and -2 एंड कंटिन्यू होगा इधर, एंड यहाँ से करते हैं -1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा, तो अपने पास नंबर कौन सा है -5 upon 6, -4 and -5 अपॉन में कौन सा है नंबर का डिनोमिनेटर कौन सा है 6, तो अपन ऑल नंबर्स में 6 का डिवाइड करते हैं. अब देखो -5 upon 6 पोजीशन कौन सी है इस पे है, तो यहां पे इसकी पोजीशन होगी -5 upon 6. ओके, एंड लेट्स इशू नंबर सेकंड, इशू नंबर सेकंड 3 रेशनल नंबर कंबाइन गिवन है, इसको आपको और ओनली फॉर वन नंबर लाइन पे शो करना है. 3 रेशनल नंबर गिवन है, इस तीनों नंबर्स को ओनली फॉर वन नंबर लाइन पे शो करना है, तो चेक करते हैं. एंड ऑल नंबर आर नेगेटिव, ऑल नंबर आर नेगेटिव, यहां पे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 राइट हैंड साइड पे कौन से होंगे पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर. ओके, देन -1 -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10, ये हो गया -5 -6 -7 -8 and -9, अपॉन कितना 11, तो अपने सब में डिवाइड करते हैं 11 का,
ओके देन फर्स्ट नंबर कौन सा है अपना माइनस टू अपॉन इलेवन, माइनस टू अपॉन इलेवन की पोजिशन यहां पर फर्स्ट नंबर हो गया माइनस टू अपॉन इलेवन। सेकेंड नंबर कौन सा है माइनस फाइव अपॉन इलेवन, तो ये भी माइनस फाइव अपॉन इलेवन की पोजिशन। एंड थर्ड नंबर माइनस नाइन अपॉन इलेवन, माइनस नाइन अपॉन इलेवन ये पोजिशन है माइनस नाइन अपॉन इलेवन। ओके लेट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट फाइव रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन टू, तो टू से स्मॉल नंबर है फाइव रेशनल नंबर उसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड रेशनल नंबर स्मॉलर देन टू, रेशनल नंबर्स स्मॉलर देन टू, तो जो रेशनल नंबर है वो टू से स्मॉल रेशनल नंबर कौन कौन से है, तो वन, वन इज ए रेशनल नंबर, वन इज ए रेशनल नंबर वन अपॉन वन यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म है, P and Q are both are integer and second है half, कौन सा है half यानी वन बाई टू। एंड थर्ड नंबर है जीरो, थर्ड नंबर है जीरो, अब जीरो अपॉन वन चेक कर सकते हैं अपन, जीरो अपॉन वन यानी Q की वैल्यू क्या होगी नॉट इक्वल जीरो, बट इसमें P की वैल्यू जीरो है, Q अपॉन वन होगा उसकी वैल्यू जीरो नहीं है। एंड नेक्स्ट है माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन अपॉन टू एंड नेक्स्ट है माइनस वन, और भी मोर देन नंबर है स्मॉलर देन टू, लेट माइनस फाइव अपॉन सिक्स, माइनस सिक्स अपॉन नाइन एंड माइनस टेन अपॉन टू, ये सब जो ऑलर नंबर कौन से है स्मॉलर देन टू। ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर 510 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव, क्वेश्चन नंबर फोर 10 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू, जो माइनस टू अपॉन फाइव एंड वन अपॉन टू के बिटवीन में आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो गिवन आपको बहुत रेशनल नंबर्स हैं, इसके जो है डिनोमिनेटर क्या है अनइक्वल, इसका डिनोमिनेटर है फाइव और इसका डिनोमिनेटर है टू, तो फर्स्ट में आप क्या करेंगे कि जो रेशनल नंबर गिवन है उसके बिटवीन में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो जो गिवन रेशनल नंबर है उनका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे इक्वल मेक इक्वल डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर, तो अपन फर्स्ट जो है बहुत रेशनल नंबर है उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो एलसीएम ऑफ फाइव एंड टू, एलसीएम ऑफ फाइव एंड टू इक्वल टू, अब चेक करते हैं एलसीएम ये टू एंड फाइव का एलसीएम, फर्स्ट नंबर कौन सा होगा जिसमें से परफेक्ट डिवाइड होगा टू, कौन सा होगा टू, टू का डिवाइड टू में एग्जैक्ट हो रहा है वन नाइन, फाइव पे नहीं हो रहा है तो फाइव का फाइव, अब देन अगेन टू का हो गया टू का नहीं होगा थ्री का नहीं होगा फोर फाइव का होगा जिसका होगा फाइव का, तो ये हो गया वन, तो अपन का एलसीएम कितना हो गया टू मल्टीप्लाई फाइव इक्वल टू टेन। ओके अब आपको क्या करना है जो बोर्ड रेशनल नंबर है उसको आपको मेक करना है डिनोमिनेटर को टेन, तो मीन्स टू अपॉन फाइव का आपको डिनोमिनेटर कितना करना है टेन, तो मल्टीप्लाई किससे होगा टू से, किससे होगा टू से, अपन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कितने से किससे होगा टू से, तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा टू से, देन टू टू जा फोर एंड फाइव टू जा टेन। ओके एंड सेकंड रेशनल नंबर है आपका गिवन नंबर है वन अपॉन टू, कौन सा है वन अपॉन टू, आपको इसका डिनोमिनेटर किससे करना है एलसीएम के इक्वल, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है टू इसको मेक करना है टेन, तो टू मल्टीप्लाई फाइव कितना हो गया टेन, तो न्यूमिनेटर आपसे मल्टीप्लाई फाइव, तो वन फाइव जा फाइव एंड फाइव टू जा टेन, तो अपन का टू रेशनल नंबर कौन सा हो गया माइनस फोर एंड टेन एंड फाइव अपॉन टेन, इसके बिटवीन में आपको फाइव टेन रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो चेक करते हैं रेशनल नंबर बिटवीन
इक्वेशन नंबर टू हमें कौन सा हो गया, माइनस फोर अपॉन टेन एंड फाइव अपॉन टेन, और आपको इसके बिटवीन में आपको रिलेशन नंबर नोट करना है। ओके क्या करते हैं, माइनस थ्री अपॉन टेन, माइनस थ्री अपॉन टेन क्या होगा, ये माइनस फोर है तो माइनस थ्री क्या होगा, राइट हैंड साइड में इसी लेफ्ट राइट हैंड साइड में, एंड माइनस टू अपॉन टेन एंड माइनस वन अपॉन टेन एंड जीरो अपॉन टेन एंड वन अपॉन टेन टू थ्री फोर अपॉन टेन अपॉन टेन एंड अपॉन टेन, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हुए अंकपुर नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया माइनस फोर अपॉन टेन एंड फाइव अपॉन टेन। ओके यहां पर आंसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें क्वेश्चन सेम टू सेम है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर, तो इसमें क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, फोर्टी फाइव, यहां पर मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से, ये हो गया 30।
अब इसको भी आपको क्या करना है, किलोमीटर 45 पे इक्वल करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे होगा, 9 से। किससे होगा, 9 से। तो किलोमीटर भी मल्टीप्लाई होगा 9 से। तो ये हो गया 9 5 45 एंड 9 4 36। अब देखो अब बाइट में हो गया ना 30 upon 45 and 36 upon 45, इसके बिटवीन में 5 स्टोर क्या करते हैं अपन, तो हो गया 31 32 33 34 and 35 अपॉन कितना होगा सबका 45 and 45। तो गिवन टू रेशनल नंबर है, इसके बिटवीन में कौन सा नंबर होगी है, ये 5 रेशनल नंबर। योर आंसर ओके। तो डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपको ट्राई करना है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपको ट्राई करना है होमवर्क में। सेम टू सेम है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 5 का, थर्ड है वो है 5 की सेम, और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ओके। देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन 2 माइनस 2, तो माइनस 2 से है ग्रेटर देन आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 माइनस 2 से बिग नंबर आपको चेक करना है हाई रेशनल नंबर, तो कौन सा हो गया माइनस 2 से, ये हो गया -3/2। -3/2 की वैल्यू कितनी होगी -1.5। -1.5 जो है माइनस 2 से बिग है क्योंकि उसी पोजिशन कहां होगी नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में, एंड नेक्स्ट है -1 एंड 0 एंड 1/2 and 1 ओके। तो ऑल आर नंबर ग्रेटर देन माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 3/4। इसके बिटवीन आपको किसी नंबर चाहिए करना है 10, इतने चाहिए करना है 10। तो 3/5 है इसका मतलब किससे किया मैंने 10 से, किससे किया 10 से, 1 times 12 से करता है, किससे करते हैं 12 से। तो कितना हो गया डिनोमिनेटर कितना हो गया 12/60, तो इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, कितना हो गया 36। एंड नेक्स्ट नंबर है अपने पास 3/4। अब इसका भी आपको डिनोमिनेटर कितना करना है यहाँ पे 60, कितना करना है 60, तो किससे मल्टीप्लाई होगा चेक करते हैं, चेक करो 10 टाइम हुआ तो कितना हो गया, ये हो गया 15 टाइम, 15 का मल्टीप्लाई पॉजिटिव कितना हो गया 60, तो न्यूमेरेटर मल्टीप्लाई किससे होगा 15 से, तो ये कितना हो गया 45 ओके। और आपको चेक करना है 36/60 and 45/60 के बिटवीन में 10 रेशनल नंबर, तो कौन सा हो गया 37/60 38/60 एंड 39/60 एंड सो ऑन, कितना होगा 43/60 एंड 44/60।
is the answer. Okay? So do you understand your homework question number 4 ka second and third. होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड एंड थर्ड योर होमवर्क. ओके, थैंक यू.